मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और अभी बज रहा है सुबह के 4:30। मैं और ऑगी उठ गए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती मजाक। नहीं, इतना भी मस्ती मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं बस इसको थोड़ा सा कुछ खिला देता हूँ, उसके बाद बस अपनी ब्लैक कॉफी बनाता हूँ और फिर जाता हूँ एडिटिंग टेबल पे। कल जो व्लॉग पूरा शूट किया था उसको एडिट करके खत्म करके 3 से 4 घंटे के अंदर यूट्यूब पे अपलोड भी करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था लेकिन दिखाया नहीं था, मैंने अपने रेड वाले स्टड्स हेलमेट में ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप फिक्स कर लिया है और आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं ना ये अपना स्लीट ग्रे हेलमेट भी यूज़ करूं, क्योंकि आई थिंक जब से ये आया है ना तब से मैं कहीं इसको लगा करके तो ट्रिप कभी नहीं गया हूँ। ये बस ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मल यूज़ में आया है एक दो बार, लेकिन ट्रिप पे तो लगा के कभी नहीं गया। तो ये सौगी ने भी पॉटी कर ली है, अभी वो बालकनी में ही खड़ा है, पॉटी कर रहा है। सुबह उठना सफल हुआ, अब मैं आराम से बालकनी का दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। पूरा एरिया ऑगी के लिए रहेगा कि वो खेले कूदे एंजॉय करे। एक और जो नई प्रॉब्लम है मेरे पास, आप लोग कहोगे कि एक न एक कभी कैमरा टूट जाता है, कभी ये कभी वो, लेकिन भाई ये सबके साथ है, आप लोग के साथ भी है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ों को लेके होता होगा और मेरे को दूसरी चीज़ों के लिए है कि मेरा वही GoPro का बैटरी एक ही है मेरे पास, दूसरी मिल नहीं रही है कहीं पर भी। बोला है एक दो लोगों को, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो अभी फिलहाल ब्लैक कॉफी बनाते हैं, ऑगी को कुछ खाने को देते हैं और एडिटिंग टेबल पे बैठते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 7:45 और एडिटिंग हो चुकी है ब्लॉग की। घर में सब लोग उठ गए हैं, शिल्पी ने कैमरा पकड़ा हुआ है, ऑगी मेरी गोद में है और हम लोग खेल कूद रहे हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली टाइम। अरे बेटू कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, अभी तबीयत ठीक है बेटू की? हाँ तबीयत ठीक है मेरे बेटू की, मेरा बेटू एक्टिव है लड़का। आज हमारी काम वाली नीतू थोड़ी जल्दी कर लो, डस्टिंग करनी है। हाँ जल्दी कर रहा हूँ, डस्टिंग करनी है मैडम को, क्योंकि नीतू जल्दी आएगी। बाकी का आराम से ब्रेकफास्ट टेबल पे बताते हैं क्या है। वैसे ऑगी की तबीयत ठीक है, मेन मुद्दा ये है हमारा बच्चा ठीक है। ये वाला रूम देखो कितना मेस्ड अप हो रखा है, बेड पे तो पूरा एकदम बिखरा पड़ा है सारा सामान। शिल्पी ने बोला है कि भैया अपनी गंद को समेटो। मैं सोच भी रहा था कि जो हेलमेट्स वगैरह यूज के नहीं है, 3-3 हेलमेट निकले रखे हैं, साफ करके अंदर पैक करके रख दूं, जो ट्रिप पे लेके जाने हैं हेलमेट बस उनको ही रखते हैं सामने। और ड्रोन वगैरह भी देख के रखते हैं चार्ज्ड है कि नहीं, क्योंकि अभी से चार्ज वार्ज करके रख देंगे, आखिरी दिन का कोई वेट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स व्लॉग भी अपलोड हो रहा है, रेंडर हो गया था, बहुत टाइमली अपलोड होने ही वाला है। कितना टाइम बचा है, 75% अपलोड हो गया है, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अपलोड हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, नया व्लॉग देखिएगा जरूर। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं हम दोनों, वरना तो यार रोज लेट ही होता रहता है, ऑफिस के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स नहा धो के तैयार हो गए ऑफिस जाने को, वही स्केड्यूल अपना, वही पुराना, उठो नहाओ ऑफिस जाओ चले आओ खा लो सो जाओ, और कुछ बचा ही नहीं है जीवन में करने को। खैर अब क्या कर सकते हैं, इसका रोना नहीं रोते हैं। नाश्ते में आज है मेरे पास मैगी, पीनट बटर सैंडविच, प्रोटीन, थोड़ा सा मिक्स्ड मैच्ड नाश्ता है। क्यों? क्योंकि आज से नवरात्रि चालू हो गई है, मैडम तो फास्टिंग कर रही हैं, मैं तो नहीं करता यार, मेरे से हो नहीं पाता, मेरे लिए तो बस दिल से मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो आप फास्टिंग कर लो, कुछ कर लो, मंदिर चले जाओ मस्जिद चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, मानो तो बस दिल से मानो, सब कुछ होता है, ऊपर वाला सब कुछ देता है अगर आप दिल से मान रहे हो तो। खैर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं नाश्ता करता हूँ, ऑफिस को निकलता हूँ, शाम को आप लोग को लेकर चलेंगे दीपक के पास, पक्की बात है, दीपक से मिलने का प्लान है, वादा तो नहीं किया उसने, अभी कॉल करके उससे ऑफिस में पूछता हूँ कि भैया क्या प्लान है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं ऑफिस से आ करके नहा धो करके निकल आया अपनी पैशन उठा करके दीपक भाई के घर जाने को। इंटर पॉइंट पे थोड़ी भीड़ लगी थी, भीड़ क्या रेड लाइट है ना यहाँ पे, इस वजह से है थोड़ी सी भीड़ भड़क का। वैसे तो आज नवरात्रि का फेस्टिवल है, पहला दिन है नवरात्रि का, तो थोड़ी बहुत रौनक सी दिख रही है। अब तो दशहरा और फिर इसके बाद पोस्ट दशहरा दिवाली की भीड़, मतलब इन शॉर्ट ना भीड़ भड़क का ये सब शुरू हो जाएगा मार्केट में ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरे GoPro की बैटरी खरीद ली गई है नोएडा में, मिल्की ने खरीद लिया है, बैटरी का लीड दिया था जीजा जी ने, जीजा जी की लीड को मैंने फिर मिल्की को ट्रांसफ़र कर दिया, मिल्की ने जाके वो बैटरी परचेज कर ली। बस दीपक भाई का घर आने ही वाला है, दीपक भाई से मुलाकात कर लेते हैं, उनका टैंक बैग चाहिए मुझे। यार उनका टैंक बैग सच में बहुत बड़ा है यार, मेरा छोटा है उनका बड़ा है, तो वाई नॉट उनका लेके जाओ, वो अभी फ्री है, मतलब उनका टैंक बैग फ्री है, अभी उन्हें कहीं ट्रिप पे नहीं जाना है, घर पे ही पड़ा है,
तो मैंने सोचा उधार ले लेता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग है ना। तो यार ये रेड लाइट के चक्कर में ना मेरा बड़ा मूड खराब होता है कसम से, खुलने वाली है। चलो 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 चलो, सब ऐसे भागते हैं जैसे कि रेस लग रही हो। स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो सब, और जैसी ग्रीन बत्ती होती पड़े सब अपनी फुल स्पीड में भैं। बाबा बाबा, ये देखो नया खिलौना। हाउडी उडू, काम होगा अब तो बहुत ज्यादा। A few inches later. यार दीपक क्या ना बहुत लेट हो गया, बैठे रह गए, इतनी बातें हो गई, पता ही नहीं चला कब क्या टाइम हो गया। खैर टैंक बैग ले लिया मैंने दीपक से, बस अब वही है, लेट हो गया काफी ज्यादा, सीधे घर भागता हूँ। शिल्पी का तो फास्ट है, वो मेरी राह देख रही होगी, इंतजार कर रही होगी मेरा कि कब आएगा, साथ में खाना खाएंगे या क्या। फिर मैं जल्दी से फिर घर भागता हूँ, साथ में करते हैं डिनर। आई होप गुस्से में आकर के उसने अकेले डिनर ना कर लिया हो कहीं। आई होप मैं बहुत ज्यादा लेट ना हुआ हूँ। हाय ओगी, पागल क्यों हो जाते हो मुझे देख के तुम? तो मैं जब घर आया तो देखा कि शिल्पी ने डिनर रेडी कर लिया था, भगवान को भोग भी लगा दिया है। आज हमारे भगवान जी के लिए बना है क्या, खीर, आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। भगवान जी को भोग लग गया है, अब उनका ये प्रसाद हम लोग भी खाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया, आज घर में बना है फास्टिंग वाला भोजन, और ये सब कुछ बनाया है हमारी मैडम शिल्पी ने। सब लोग कहते हैं शिल्पी बहुत मेहनती है, शिल्पी बहुत काम करती है। एक्चुअली में शिल्पी बहुत ज़्यादा काम करती है, अपने ऑफिस का काम करती है, अपने बिजनेस का काम करती है, खाना संभालती है, पूरे घर को संभालती है, ऑगी को संभालती है। हाँ तूने फोन किया था बता। तो गाइस मैं पैकिंग का काम कर रहा था, अपने को सैटरडे मतलब परसों निकलना है ट्रिप पे, पैकिंग का काम भी जरूरी है आज के आज ही, क्योंकि सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग निकलना है, जल्द से जल्द 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी हो जाए। आई डोंट नो कितने बजे होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निकलने की। तो टाइम बिल्कुल नहीं है, कल रात जल्द से जल्द सोना है, तो सारी पैकिंग वगैरह आज ही करनी है। सामान तो निकाल के रख दिया है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस उसको बैग में नहीं भरा है, तो बैग में आराम से अब उसको भर लेंगे कल ऑफिस से आने के बाद। कोई और काम नहीं है, कल कोई काम नहीं है। हो सकता है कि नहीं, व्लॉग तो आना पड़ेगा, नहीं व्लॉग तो आएगा, भले ही 2 मिनट का आए 3 मिनट का आए, लेकिन व्लॉग आएगा, ज़रूर आएगा। तो अब भाई साहब इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि 11 बज रहा है, मेरी आँखें जल रही हैं, सुबह उठ करके एडिट करना है, ऑफिस जाना है, लौट के आना है, पैकिंग करनी है, जल्दी सोना है, इतने सारे टास्क लाइंड अप हैं, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। इतना ही बोलना चाहूंगा, इस व्लॉग को इधर ही एंड करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में मेरा चैनल, मेरे वीडियोस। और परसों ट्रिप पे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आने वाले हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।